नमस्कार, स्वागत है आपका आओ लिखें पर। आज हम सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय लिखेंगे। जीवन परिचय। हिंदी साहित्य में छायावादी युग के प्रमुख कवि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 20 मई 1900 ईस्वी को कौसानी बागेश्वर में हुआ। जन्म के 6 घंटे बाद ही उनकी मां का निधन हो गया। उनका लालन पालन उनकी दादी ने किया। सुमित्रा नंदन पंत का मूल नाम गोसाई दत्त था। उनकी माता का नाम सरस्वती देवी और पिता का नाम गंगा दत्त पंत था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा तथा 10वीं की परीक्षा काशी के क्वींस कॉलेज से पूर्ण की। इसके पश्चात उच्च शिक्षा के लिए इलाहाबाद के म्योर कॉलेज में पढ़ने गए। वे गांधी जी के असहयोग आंदोलन से इतना प्रभावित हुए कि पढ़ाई छोड़कर आंदोलन में शामिल हो गए। 4वीं कक्षा से ही उन्होंने कविता लिखना शुरू कर दिया था, परंतु काव्य चेतना का विकास कॉलेज में प्रारंभ हुआ। सन 1938 में उन्होंने रूपाभ पत्रिका निकाली और सन 1950 से 1957 तक वे आकाशवाणी के हिंदी परामर्शदाता रहे। 28 दिसंबर 1977 ईस्वी को सुमित्रा नंदन पंत की मृत्यु हो गई। छायावादी युग के अन्य कवि के जीवन परिचय आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कार्ड पर मिल जाएंगे। साहित्यिक परिचय। कवि सुमित्रा नंदन पंत जी ने 7 वर्ष की उम्र से ही कविता लिखना प्रारंभ कर दिया था। प्रकृति से अत्यधिक लगाव होने के कारण इन्हें प्रकृति का सुकुमार भी कहा जाता है। 1928 में उनका प्रसिद्ध काव्य संकलन पल्लव प्रकाशित हुआ। चिदंबरा से उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, कला और बूढ़ा चांद काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। हिंदी साहित्य सेवा के लिए उन्हें पद्म भूषण, ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी तथा सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार जैसे उच्च श्रेणी के सम्मानों से अलंकृत किया गया। उनके जीवन काल में 28 पुस्तकें प्रकाशित हुई। उन्होंने ज्योत्सना नामक एक रूपक की भी रचना की। उन्होंने आकाशवाणी के मुख्य निर्माता के पद पर भी कार्य किया। कृतियां। सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं इस प्रकार से हैं। काव्य रचनाएं: वाणी, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्णधूली, उत्तरा, अतिमा, पल्लविनी, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदंबरा, तारापथ आदि। उपन्यास, हार। कहानी संग्रह, 5 कहानियाँ। आत्मकथनात्मक संस्मरण, 60 वर्ष एक रेखांकन। तो ये सभी सुमित्रा नंद पंत की रचनाएं हैं। तो एग्ज़ाम में आपसे इतनी रचनाएं नहीं पूछी जाती हैं, 1 या 2 ही रचना पूछी जाएंगी। तो आपको जो इसमें से आसान लगता है वो आप याद कर लें। भाषा शैली। कवि पंत जी का भाषा पर असाधारण अधिकार है। भाव और विषय के अनुकूल मार्मिक शब्दावली उनकी लेखनी से सहज प्रवाहित होती है। उनकी रचनाओं में भावात्मक तथा आलंकारिक आदि शैली का प्रयोग हुआ है। इसके साथ ही उनकी भाषा शैली में मधुरता और कोमलता का भाव भी है। साहित्य में स्थान। छायावादी युग के प्रमुख कवि सुमित्रा नंदन पंत जी का स्थान हिंदी साहित्य के विशिष्ट कवियों में आता है। इन्हें हिंदी साहित्य में प्रकृति का सुकुमार एवं युग परिवर्तक कवि माना जाता है। उनके द्वारा साहित्य में दिए गए महत्वपूर्ण योगदान के लिए वे हमेशा याद किए जाएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरह के महत्वपूर्ण जीवन परिचय तथा अन्य जानकारी के लिए सामने स्क्रीन पर आ रही वीडियोस को देखें। धन्यवाद।